जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती हैं तो एनडीआरएफ की ली जाएगी मदद, जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान। डॉक्टर चौहान ने वन विभाग और एनडीआरएफ के कर्मियों के साथ जंगलों में लग रही आग को रोकने के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर वनाग्नि की ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं वहां एनडीआरएफ की तैनाती करने का निर्णय भी लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले कई दिनों से जंगलों में लगी आग बारिश होने से नियंत्रित हुई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग फिर से देखने को मिलती है तो वन विभाग के अलावा एनडीआरएफ की तैनाती की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में एनडीआरएफ उधम सिंह नगर की तैनाती की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि बारिश से पूर्व 3 दिन तक वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई आग बुझाने के लिए। हेलीकॉप्टर द्वारा जंगलों के उच्च स्थानों में लगी आग बुझाई गई। कहा कि बारिश होने के बाद जनपद के अंतर्गत वनाग्नि घटना की सूचना नहीं है। हालांकि वन विभाग, राजस्व विभाग सहित अन्य द्वारा निरंतर रूप से जंगलों के गश्त भी की जा रही है। इस दौरान आग के प्रकोप के लिए एनडीआरएफ के कर्मियों ने अपने अनुभव को साझा किया और जिला प्रशासन के साथ मिलकर वनाग्नि घटनाओं को रोकने की बात कही। पौड़ी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। 50 मेंबर्स की एनडीआरएफ की टीम है। हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेस्ट किया था, 28 अप्रैल को हमारा एक रिक्वेस्ट लेटर गया था, तो उसी क्रम में हमें अभी रीइंफोर्समेंट मिला है। 50 मेंबर्स की टीम है और जैसे ही ड्राई स्पेल स्टार्ट होता है, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं वापस से हमारे सामने आती है, तो बहुत बड़ी मदद के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास में एक ट्रेन टास्क फोर्स है।